अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर, कैसे हो? ठीक ठाक। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बयालीजी टीचर कासिम के टीके। आज के नए वीडियो के साथ आज मैं आपको ऐसी वीडियो बना रहा हूँ कि आप यकीनन थंबनेल को देखकर समझे ही होंगे कि मैं क्या बनाने जा रहा हूं। जनाबे मन, एक बात, जब से हजरत इंसान पैदा हुआ है, इस पूरी कायनात में इंसान अशरफुल मखलूकात है। जैसे कि जदीद साइंस या कुरान मजीद, इन सब का मौजू इंसान ही है। बाकी जो कायनात की दूसरी चीज़ें हैं, ख्वा वो नबातात हो, ख्वा वो जमादात हो, ख्वा वो हैवानात हो, ये इंसान के गिर्द घूमती है। जैसे कि कुरान मजीद में भी एक जगह पर मफहूम है, जिसका मफहूम इस तरह है कि मैंने इंसान के लिए कायनात की तमाम चीज़ों को मुसख़्खर किया है। तो इस इंसान को समझने के लिए अजल से अबद तक कोशिश किए जा रहे हैं। इंसान इस कायनात का बेहतरीन मखलूक है, जिसको जानना और समझना बहुत मुश्किल रहा है। इंसान के रवैये और मिजाज को समझने के लिए साइंसदानों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और दौरे जदीद में भी की जा रही है। जमाने कदीम में भी किए जाते रहे हैं और दौरे जदीद में भी किए जाते रहे हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का एक चीज है इंसान कि इसको समझना और जानना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये बात अपनी जगह पर ठीक है कि ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जमाने कदीम से लेकर मौजूदा जमाने तक इंसान को काफी हद तक समझा गया है और जाना गया है। तो अगर आप इस इंसान को समझना और जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को आखिर तक देखो, जिसमें आप और मैं या बशमूली दुनिया का 7 अरब से जायद इंसानों की आबादी को समझना और जानना का एक मुख्तसर तरीके से मैं आपको कुछ ऐसे नुकात बताऊंगा कि जिसमें दुनिया के तमाम इंसान उसमें शामिल होंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो, अगर आप समझना चाहते हो किसी इंसान को, तो आपने एक छोटा सा सवाल उनसे ये पूछना है कि आपके पैदाइश का महीना कौन सा है। जबाने करीम से लेकर जदीद
ज़माने तक इंसान की पैदाइश के महीने महीना इसकी शख्सियत के साथ गहरा ताल्लुक रखता है। और अब जदीद तहकीक ने भी ये बात साबित की है कि पैदाइश का महीना इंसान के छुपी हुई राज से पर्दा हटाता है। अगर आप किसी शख्स के पैदाइश के महीने को जानकर आप उसकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। आपके जहन के अंदर बहुत शकूक और शुबहात दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताने चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं हर महीने में पैदा होने वाले इंसानों की शख्सियत के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम लोगों के लिए ये बात उसी तरह 100% हो। रेयर केसेस, एक्सेप्शनल केसेस इज प्रेजेंट एंड एवरीवेयर। In such situation, here, यहां पर भी उस चीज को आपने भूलना नहीं है। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप देख सकें। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन और इसी तरह इंसान की नफ्सियात को समझना समझने के लिए ढेर सारी सुनहरी बातें बिखरे मोतियों को मैं इकट्ठा करने जा रहा हूं। अगर आप इस मोतियों को मेरे इकट्ठा की हुई बिखरी मोतियों को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट एक या दो दिन में लाजमी करें। आपको ऐसे चीजें मिलेंगे कि आप हैरान रहेंगे। ये अल्लाह ताला का फजल है मुझ पर कि मैं आप लोगों के लिए मुताला भी करता हूं। मेरा अपना पास्ट का एक्सपीरियंस भी है, फ्यूचर पर भी मेरा नजर है। तो इंशाल्लाह आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेंगे। बहरहाल तो लाइक तो बनता है ना, एक लाइक दे दो, ठीक है। अगर मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ तो फिर लाइक आपने देना ही होगा, सही है जी। शुरू करते हैं तो सबसे पहला महीना कौन सा आता है? मैं आपको, हो सकता है मेरे तो स्टूडेंट हैं, उनके जहन में किस्म किस्म के क्वेश्चन होते हैं, तो आप माइंड ना करें। मैं ये वीडियो अपने स्टूडेंट के लिए भी बनाऊँगा, वो भी सुने। और अक्सर तो मेरे साथ एज लिमिट जो मुझे अपने चैनल में बताता है वो कहता है कि आपके साथ तो जवान है, जवान। तो जी जवानों सुनो, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ अवर फॉलोअर इज यूथ। जवान किसी कौम का असासा होता है और इस असासे को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन टिप्स, बेहतरीन चीज़ें आज मैं देने जा रहा हूं। तो जी जनवरी के महीने में पैदा होने वाले इंसान की शख्सियत के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? जी जिन लोगों का तारीख पैदाइश जनवरी के महीने में हुआ है, एक्चुअल बाल लोग तो खुदा माफ करे पे एक डेट ऑफ बर्थ भी देते हैं ना, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। जनवरी के महीने में पैदा होने वाले इंसान का शख्सियत के बारे में क्या गया है? ये इंसान मेहनती होगा, हार्ड वर्कर। ये मुस्तकिल मिजाज होगा और इस इंसान में विद वेरी सॉरी टू सी ये जिद्दी किस्म का होगा। इसके जहन में जो बात आ जाती है तो उस पर इसरार करेगा कि ये इस तरह होना चाहिए, नहीं नहीं आप इस तरह करें। और अपना हर काम खुद करते हैं और अपने कामों को अधूरा नहीं छोड़ा करते हैं।
ये शख्स हर वक्त मसरूफ रहता है। ऐसे लोग पैदाइशी लीडर होते हैं, इनके अंदर लोगों को सिखाने का जज्बा और कन्वेंस करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। ये लोगों को कन्वेंस करते हैं। लोग इनको फॉलो करके खुशी महसूस करते हैं। ऐसे लोग शानदार तख्लीकी सलाहियत के मालिक होते हैं, नए नए चीजों को वो बनाते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं। और इन्हें नए नए चीजें सीखने का शौक होता है। मिसाल के तौर पर इसने गाड़ी नहीं सीखी है तो ये गाड़ी सीखना चाहता है। मिसाल के तौर पर इसने एक चीज नहीं सीखी है तो वो सीखना चाहता है जब देख लेता है। ऐसे लोग खामोश तबीयत के होते हैं और नरम मिजाज होते हैं। और मुस्बत सोच रखते हैं। मैं आपको यहां पर एक बात बताऊं कि मुस्बत सोच आपकी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। ऑलवेज कीप पॉजिटिव। अगर आपकी मुस्बत सोच डिवेलप हो गई तो आप यकीन जाने कि आप दुनिया का एक कामयाब तरीन इंसान होगा। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, को समझ रहे हो? मुस्बत सोच, थिंकिंग पॉजिटिव, ये मुस्बत सोच जो है ये कामयाबी की अलामत है। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मेरे तो स्टूडेंट भी है कि सर जरा इसको एक्सप्लेन करें कि ये मुस्बत सोच आपको किस तरह पता चलेगा कि मेरा सोच मुस्बत है या मनफी है। तो जी एक छोटी सी मिसाल के जरिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप किसी दोस्त के साथ मिलते हो, उसने जो टोपी पहनी है, मिसाल के तौर पर मैंने ये काला ब्लैक कलर की कैप सर पर रखा है, अब मेरे साथ ये ब्लैक कलर का कैप सूट नहीं करता, नहीं करता मिसाल के तौर पर। तो जैसे ही आप मेरे साथ मुसाफा करते हैं या दुआ सलाम करते हैं, आपकी पहली नजर मेरे टोपी पर पड़ते और आप कहते हो यार ये क्या पहना रखा है। This is the symptom, this is the sign of negative thinking. ये कपड़े मैंने कितने खूबसूरत पहने, आपकी नजर उस पर नहीं पड़ रहा है। मैं कितना स्मार्ट हूं, आपकी नजर मेरे स्मार्टनेस पे नहीं पड़ रहा है। मैं आपके साथ कितने अदब के साथ मिल रहा हूं उस पर आपकी नजर नहीं पड़ रही है। मैं आपके साथ कितने इखलास से मिल रहा हूं उस पर आपकी नजर नहीं पड़ रही है। तो अगर आपकी नजर मेरे खामी पर पड़ रही है, मेरे कमजोरी पर पड़ रही है, लग रही है, और आप मुझे बता रहे हो या आपके ज़हन में आ रहा है, तो यकीन जानो आपका आपका सोच नेगेटिव है। इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, इतना खूबसूरत मैं वजाहत करता हूं। यानी पहले नजर में, फर्स्ट पिकअप, पहले नजर में आपकी नजर उसकी खामी और कमजोरी पर पड़े, ये अलामत है मनफी सोच की। ये अलामत है मनफी सोच की। ये क्या है? ये मनफी सोच की अलामत है। जनवरी के महीने में पैदा होने वाले लोगों का सोच मनफी नहीं होगा, मुस्बत होगा। यानी ये लोगों की खामियों और कमजोरियों पर नजर नहीं रखते, बल्कि हमेशा लोगों को खुश करने में मसरूफ रहते हैं। यू आर माशाल्लाह बहुत अच्छे, यू आर बेस्ट, एक्सीलेंट, गुड, इस तरह के पॉजिटिव कमेंट स्टेटमेंट ये जारी करते हैं। नेगेटिव स्टेटमेंट ये नहीं जारी करते। अगर किसी शख्स में हजार कमजोरियां है और एक खूबी है, एक खसूसियत है, तो वो सिर्फ उस एक खसूसियत को बयान करते हैं और बाकी कुछ उठते हैं नहीं। बाज़ औक़ात फिर लोग भी उनको कहते हैं यार इस शख्स के साथ आप किस तरह गुजारा करते हो,
कहते हैं कि नहीं, ठीक है ना यार, चलता है। लेकिन ये लोग जनवरी के महीने में पैदा होने वाले लोग थोड़े से कंजूस होते हैं, थोड़े से, और ये सोच समझ कर खर्च करते हैं, सोच समझ कर, यानी फजूल खर्च नहीं होते। कंजूस से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये अपनी जरूरत की चीजों को भी नहीं लेते, नहीं, कंजूस से मेरा मतलब है, अब यहां पर कंजूस की दो मानी हम लेंगे। एक मानी ये है, एक कंजूस बमानी कि अपने जरूरियात के हद तक तो ये ठीक है, खर्च करते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये खर्च नहीं करते, और जब ये खर्च करते हैं तो वहां पर भी एतदाल के दामन को नहीं छोड़ते, ठीक है। तो जी अब जी दूसरा महीना शुरू होने वाला है जिसको हम कहते हैं फरवरी। सही, एक मिनट में आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सूरी पर डिस्टर्बेंस एक गेस्ट था, तो इस हवाले से सॉरी। तो जी अब ये क्या है कि जनवरी के महीने में आपके सामने मैंने बात की है, तो अब जी मैं फरवरी के महीने में पैदा होने वाले ये लोग शानदार शख्सियत और जहीन शख्सियत के मालिक होते हैं, शानदार और जहीन टैलेंटेड लोग होते हैं। ये लोग हमदर्द और मुखलिस होते हैं, इखलास से भरे हुए हमदर्द, जिसका हर दूसरे किसी के दुख दर्द में शरीक होना, दोस्त वही है ना जो मुसीबत के वक्त काम आता है। तो ये वो लोग हैं जो फरवरी में पैदा हुए हैं। इनके साथ प्यार करने वाला दिल होता है, ठीक है ना, प्यार करने वाला दिल, यानी ये परमानेंट प्यार करने वाले दिल होते हैं, वक्ती नहीं। बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग को बयान करते हैं, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार बेस्ट वे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग अपने एहसासात और जज्बात को बयान करने में माहिर होते हैं। ये लोग अच्छे वालिदैन साबित होते हैं, अच्छे वालिदैन और गहरे शख्सियत के मालिक होते हैं, बहुत गहरे होते हैं। जैसे वालिदैन अगर उस पर कोई दुख हो, दर्द हो, तो वो खामोश रहते हैं, अपने बच्चों की बुरी आदतों को बर्दाश्त करते हैं। बाज़ वालिदैन तो फिर अब देखते हो, सुनते हो अखबारात में कि क्या क्या करते हैं। इनको समझना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल से इनको समझना होता है।
इन लोगों का नजर हमेशा अपने मकसद पर होती है और ये हमेशा आगे बढ़ते हैं और अपने मकसद को हासिल करते हैं। ऐसे लोग बिला वजह पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं करते। यानी ये आजाद तबीयत के मालिक होते हैं, इनको अपने आजादी से प्यार होता है और ये लोग बहुत हसास तबीयत का होते हैं। ये लोग अगर किसी से हट हो जाते हैं तो इसका इजहार नहीं करते। बाज लोग आप देखते हो कि जब छोटी सी बात, मैं आपके साथ नहीं बोलता, जाओ यार इस तरह है उस तरह है और ये है पला है और ढींग है और इस तरह है उस तरह है, नहीं नहीं, ये लोग फिर हट होने के बावजूद भी अगर वो शख्स उसके साथ मिलता है तो बड़े खंदा पेशानी के साथ मिलता है, आई वेलकम वेलकम, यही चीज़ है। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव टैलेंटेड लोग फरवरी में पैदा होते हैं, शानदार शख्सियत के मालिक। मैंने आपको एक बात पहले भी की है कि 100% पॉसिबल नहीं है, बहरहाल ओवर 90% ये चीजें हैं। अब जी तीसरा महीना है मार्च, मार्च के महीने में पैदा होने वाले इंसान खुशकिस्मत होते हैं और ऐसे लोगों को पैसा कमाने का हुनर बहुत अच्छी तरीके से आता है कि मैंने किस तरह पैसा कमाना है। लेकिन विद वेरी सॉरी टू से, लेकिन इसे बचाने का हुनर नहीं आता, ये फजूल खर्च होता है, ये जल्दी खर्च करते हैं, जल्दी लाखों कमाते हैं और लाखों उड़ाते हैं। ऐसे लोग ख्वाब देखते हैं और उन्हें पूरा करने पर यकीन करते हैं, इनके ख्वाब इनको आते हैं। इन लोगों को ट्रेवलिंग एडवेंचर करना और लोगों का मदद करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होता है। इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जो एक मर्तबा इनका एतबार तोड़ देते हैं दोबारा उस पर एतबार नहीं करते। सही है, ये पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं लेकिन शर्मीले होते हैं, अपने शख्सियत के इजहार को पसंद नहीं करते। अगर कोई इसकी तारीफ करते तो वो कहते कि प्लीज इस तरह न करें। ऐसे लोग तख्लीकी होते हैं, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छे होते हैं। मार्च के महीने में पैदा होने वाले लोग हुजूम से घबराते हैं और पुरसुकून जगह में रहना पसंद करते हैं। तो ये मार्च के महीने में पैदा होने वाले लोगों की ये खसूसियात है। अब जी आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अब जो महीना आ रहा है, इस महीने की पैदाइश, इस महीने में मैं खुद भी पैदा हुआ हूं, तो अगर कोई ऐसी बात मैं कहूं, शायद आप में से बहुत से लोग, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, फैमिली मेंबर हो, तो आपको पता होगा कि मैं अपने वीडियो में वक्तन फोक्तन कुछ बातें ऐसे कर लेता हूँ कि आपको मेरे शख्सियत का पता चल जाता है कि सर किस तरह का शख्सियत के मालिक है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यकीन जानो, मैंने जब ये बुक पढ़ा, नेट पर सर्च किया, तो मुझे तो 100% अपने अंदर वो सारी चीज़ें ऐसे लगे कि मैं तो कह रहा था कि यार ये तो सच कह रहा है। तो जी अप्रैल के महीने में पैदा होने वाले लोग पैदाइशी लीडर होते हैं, पैदाइशी लीडर, अपनी तरफ से मैं बात नहीं कर रहा हूँ,
यकीन जानो मैंने आपको कह चुका हूँ कि ये मेरा पैदाइश का महीना है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं। पैदाइशी लीडर होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ज़िद्दी। अब ये इसका मुझे पता नहीं है, मैं तो ज़िद्दी नहीं हूँ, बहरहाल ज़िद्दी होते हैं। ज़िद्दी एट आवर बॉसी एटीट्यूड ये रखते हैं, ये हुक्म मानने के बजाय हुक्म देते हैं, यानी डिक्टेशन ये किसी की नहीं लेते और मामलात को अपने तरीके से हल कर लेते हैं, ये किसी की डिक्टेशन नहीं लेते। ऐसे लोगों को थोड़ा एतदाल पसंद होना चाहिए, वरना लोग इनसे दूर भागेंगे। वो अपने मंजिल के सामने रुकावटों को दूर करना जानते हैं और उन्हें अपने मंजिल से हटाने के लिए कोई उसको नहीं रोक सकता। ये अपने मंजिल को पहुंचते हैं। ऐसे लोग निडर और बहादुर होते हैं और इनके अंदर मामलात को समझने और हल करने की खूबी होती है, इसलिए लोग इनसे मशवरा करना पसंद करते हैं। ये लोग ज्यादा सोचो विचार में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं। अप्रैल के महीने में पैदा होने वाले लोग जल्दबाज होते हैं, ये सोचते कम और करते ज्यादा है। ये अपने कल के बारे में नहीं सोचा करते, बल्कि आज पर जिंदा रहते हैं और आज को एंजॉय करते हैं। ये काबिल और मेहनती लोग होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और कम अखलाक होते हैं। ये फजूल खर्च भी होते हैं। ये लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं और ये कहने का शौकीन नहीं होता। ये ऊंचा बोलता है, ये हमेशा लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता है और किसी को बहुत ज्यादा अपना बना लेता है और किसी के साथ बहुत ज्यादा बहुत जल्द इसके साथ घुल मिल जाता है, अपने तमाम राज उनके हवाले कर देते हैं। ये भीड़ में जाने से डरते हैं, ये अलग रहना पसंद करता है। लोग बाहर से इनको पसंद करते हैं, लेकिन जब इसके करीब आ जाए तो फिर वो उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे आदतें होती है जिनको वो पसंद नहीं करते। इनके अंदर वैरायटी ऑफ क्वालिटी है। ये कभी कभार बहुत ज्यादा हमदर्द बन जाता है और कभी कभार इंतहाई रिजिड एटीट्यूड वाला शख्स बन जाता है, और फिर ये महसूस होता है कि ये तो ये एतमाद को बहुत जल्दी ही खो जाता है। तो ये सारी चीजें थी। बहरहाल अप्रैल के महीने में ये है मई। मई के महीने में पैदा होने वाले लोग सोशल होते हैं और अकेला रहने से ये बोर हो जाते हैं। ये अकेले नहीं रहते, ये लोग लोगों के हुजूम में रहना पसंद करते हैं और दोस्तों के दरमियान ज्यादा वक्त गुजार लेते हैं और इसको वो पसंद करते हैं। अपने जज्बात और ख्यालात को बहुत अच्छी तरीके से करते और जानते हैं। इन्हीं लोगों के साथ, यानी ऐसे लोगों के साथ बातें करना पसंद होता है कि यार आप बैठ जाओ, अच्छा बताओ क्या हाल है। ये इंसान ये आसानी से लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं आसानी से। ऐसे लोग भी मेहनती होते हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। एक दिन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं और फिर एक हफ्ते तक मजे करते रहते हैं। जब नए क्लास में चले जाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं
जब किसी नए बड़े इदारे में चले जाते हैं तो फिर चीज छोड़ देते हैं। ये इनकी सोच बदलती रहती है, आज कुछ कल कुछ और। ये रूटीन लाइफ से बोर हो जाते हैं और लाइफ में एक्साइटमेंट को पसंद करते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं और क्रिएटिव होते हैं, अपने शख्सियत के इजहार के लिए मुनफरिद तरीके अपनाते हैं। ऐसे लोग अच्छे म्यूजिशियन यानी म्यूजिक को एक्टर और राइटर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं मई के महीने में पैदा होने वाले। अब जी ये जून के महीने, गर्मी का महीना होता है लेकिन ये लोग बड़े नरम दिल की गर्मी में इसका दिल पिघल जाता है, यानी ये रोमांटिक होते हैं, ये नरम दिल के होते हैं और मोहब्बत पर यकीन करते हैं। ऐसे लोग हसास और नरम मिजाज होते हैं और लोगों की फीलिंग का ख्याल रखने वाले होते हैं, इसलिए लोग इससे बातचीत करना पसंद करते हैं। ये लोग क्रिएटिव होते हैं और इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। इनको हमेशा नई नई चीजें करने का शौक होता है, इनके पास नए आइडियाज होते हैं, चीजों को बिल्कुल नए अंदाज से करके लोगों को हैरान करते हैं। इनके अंदर एक तसवराती दुनिया आबाद हो जाती है। आबाद होती है जून के महीने में पैदा होने वाले लोगों में बहुत ज्यादा गजब का एतमाद होता है। ये पुरकशिश शख्सियत के मालिक होते हैं। तो आपको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये खर्फ आखिर नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं। शायद आप की पैदाइश जून में हुई है लेकिन आपसे बिल्कुल आप इनसे मुख्तलिफ हो, तो अपने माइंड नहीं करना है। जुलाई के महीने में पैदा होने वाले लोग मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि अगर आप लोगों की शख्सियत के बारे में इनसे उन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं जो आप उनसे नहीं पूछ सकते, तो आप इस वीडियो को देख लो। यानी पैदाइश का महीना मालूम होने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो जुलाई, जुलाई के महीने में पैदा होने वाले लोग खुश मिजाज और नरम दिल के होते हैं। इनके नरम मिजाजी और खुश मिजाजी की वजह से लोग इनके साथ रहकर और काम करके खुशी महसूस करते हैं, इसलिए ये लोगों में काफी मकबूल और काफी मकबूल होता है और इनके गिर्द लोग घूमते रहते हैं। ऐसे लोग एनर्जेटिक और एडवेंचर को पसंद करते हैं। इन्हें मुख्तलिफ चीजों को इकट्ठा करने का शौक होता है। कभी कभार इनके पास ऐसी चीजें हो जाती हैं जो यूनिक होते हैं। ये लोग ज्यादा दोस्त नहीं बनाते लेकिन जिनको बनाए इनके साथ सारी जिंदगी वफा और हमदर्दी वफा करते हैं। वाह क्या सिफत है, एक दोस्त हो लेकिन ऐसा हो कि परमानेंट हो, एक सब्सक्राइबर हो लेकिन ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हो, तो फिर हजारों से वो हजारों का मुकाबला कर सकता है। आपके सारी वीडियो ऐसा सब्सक्राइबर कोई है जो जिसने मेरी सारी वीडियो देखी है, तो देख कर देख लो। अगर जुलाई का महीना आपकी पैदाइश का महीना है, आपने मुझे सब्सक्राइब किया है, तो फिर ये काम भी कर लो कि मेरे सारे वीडियो को देख लो। इसको कहते हैं वफादारी। तो ये असल में ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब कह रहा है। अब जी अगस्त में
पैदा होने वाले इंसानों का क्या हाल होता है। अगस्त में पैदा होने वाले लोग अक्सर बहुत शरारती होते हैं और शरारती होने के साथ साथ वो दलेर भी होते हैं। ये खतरात के फरवा बिल्कुल नहीं करते, ये पैदाइशी लीडर होते हैं। बचपन से ही इनमें कायदाना सलाहियतें होती हैं और इन्हें मौसीकी का ख़ास शौक होता है। ये लोग बॉसी एटीट्यूड वाले होते हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ये लॉजिकल होते हैं और चीज़ों का बहुत गहराई से मुताला करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ज़्यादा सोचो विचार में मसरूफ़ हो जाते हैं जिसका इन्हें नुकसान होता है। अगस्त में पैदा होने वाले लोग अक्सर रात में फिरते रहते हैं और डरते भी नहीं है। ये एडवेंचर के शौकीन हजरात होते हैं, ये बड़े एनर्जेटिक भी होते हैं। दिल के बड़े अच्छे होते हैं, लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार भी करते हैं। मतलब ये है कि बचपन से ही इसमें कायदाना सलाहियतें होती है। अब जब नेक्स्ट मंथ हमारा है सितंबर, सितंबर में पैदा होने वाले लोग बहुत सलीका मंद और सफाई पसंद होते हैं। ये बहुत सखी दिल के मालिक होते हैं। पर दूसरों की मदद में ये लोग कभी भी पीछे नहीं रहते। ये लोग एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जेटिक और समझने की सलाहियत दूसरों लोगों की निस्बत इन लोगों में सितंबर के महीने में पैदा होने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। और ज़िंदगी में आने वाले जो चैलेंजेस का ये लोग बड़े बहादुरी से सामना करते हैं और कभी हिम्मत नहीं हारते ये लोग, और हर चीज को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। टीम वर्क पर बिलीव करते हैं और दूसरे लोगों से इनकी तवक्कुआत और दूसरे लोगों से इनकी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए बाज़ दफ़ा इसलिए बाज़ औकात फिर ये लोगों से बहुत जल्दी मायूस भी हो जाते हैं। तो ये सितंबर के महीने में पैदा होने वाले लोगों के कुछ खसूसियात थे। एक मरतबा फिर मैं आपको याद दिलाते जाऊं कि ये जो खसूसियात मैं बयान कर रहा हूँ शख्सियत के हवाले से, ये ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स में पाया जाए। बहरहाल नॉलेज है, हम इसको इस गरज से इसकी तशहीर कर रहे हैं कि आपको कुछ, अगर आप किसी शख्स के बारे में जानना चाहते हैं या उनसे अगर आप पूछ नहीं सकते तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाले लोग पुरकशिश, बहादुर और नई नई चीज़ों को सीखने का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये लोग बहुत बातूनी और ज़िंदगी को हमेशा मुस्बत सोच से देखता है।
इससे पहले भी मैं मनफी सोच और मुस्बत सोच को वाज़ह कर चुका हूँ। मैंने आपके सामने मनफी और मुस्बत सोच का बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल दिया था कि मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ मिल रहे हो, मैंने एक ब्लैक कलर टोपी पहनी है, आपको ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो जैसे आप मेरे साथ मिलते हो मुसाफा करने के बाद, दुआ सलाम करने के बाद, आप मुझे कहते हो यार आप बहुत अच्छे हो लेकिन आपकी टोपी अच्छी नहीं है। ये जनाब मंत ये मनफी सोच की अक्कासी है। आप अपने मनफी सोच को ज़ाहिर कर रहे हो, यानी आप जब किसी चीज़ पर आपकी नज़र पड़ती है तो सबसे पहले आपकी नज़र वो ख़राबी पर पड़ जाती है और जो उनमें अच्छाई है उन पर नहीं पड़ती। तो इस तरह के लोगों की सोच जो है ना वो मनफी है। पहली ही नज़र में अगर आप का सोच इस तरह बन जाता है तो फिर जनाबे मंद बहुत मुश्किल होता है। फिर अगर आप हज़ार मरतबा भी कहे कहने तो अपने सोच को बदलने की कोशिश करो। मुस्बत सोच से आप बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो, न कि मनफी सोच से। मनफी सोच से अगर आप किसी इदारे में बहुत बड़े सरबरा भी हो, अगर आपका सोच मनफी है तो आपको एक टेंशन होगी। आप अपने कुर्सी पर भी, जो बड़ी कुर्सी है उस पर भी खुश नहीं रह सकते क्योंकि आपका सोच मनफी है। तो लिहाजा अपने सोच को बदलो। मनफी सोच को इसी तरीके से बदला जा सकता है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचा करो। लोगों में जो अच्छाई है, किसी शख्स में हज़ार बुराई है अगर एक अच्छाई है, तो अगर आपके सामने वो एक अच्छाई सामने आती है तो यही मुस्बत सोच है और यही कामयाबी की ज़मानत है। तो प्लीज़ मुस्बत सोचा करो। और मनफी सोच और लड़ाई झगड़ों को एवॉइड करते हैं, यानी लड़ाई झगड़ों से अक्सर ये गुरेज करते हैं अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाले। फिर लोग उनको कहते हैं कि ये डरपोक है। डरपोक नहीं है, असल में यही इंसान है। इस्लाम का भी यही तालीमात है कि अगर किसी अगर कोई आपसे झगड़ता है तो आप उसके साथ न झगड़ें। ये मुसलमानों के दरमियान जो आपको पैगाम दे रहा है, किसी दूसरे काफिर को आप वहाँ पर भी इस्लाम के पास तीसरा ऑप्शन है लड़ने का, जिहाद करने का। यानी पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, जजिया कबूल करें, और पहला ऑप्शन ये है कि आप इस्लाम कबूल करें, कलम पढ़े। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जजिया दें, टैक्स दें। और तीसरा ऑप्शन फिर अगर इस्लाम भी नहीं कबूल करते, टैक्स भी नहीं देते, जजिया भी आप नहीं देते, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब देखो ये इस्लाम हमें क्या बता रहा है, मुस्बत सोच। तीसरे आखिरी ऑप्शन है लड़ना, लड़ना आखिरी ऑप्शन है। हम लड़ने को पहल जो जिसके पास लड़ना पहला ऑप्शन है, यकीन जानो उसका मनफी सोच है। तो प्लीज़ अक्टूबर के महीनों में पैदा होने वाले लोगों की तो ये खुशकिस्मती है कि उसके पास आखिरी ऑप्शन होगा क्योंकि वो एवॉइड करते हैं, ठीक है ना। झगड़ना, लड़ना झगड़ना दानिशमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है। आप 10 रुपये के पीछे लड़ रहे हो, 1000 का नुकसान कर रहे हो, ये दानिशमंदी नहीं है। अपने सोच को तब्दील करो, ये आप कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ इसको ख़त्म करो। यकीन जानो इस मनफी सोच से आप जिंदगी के हर शोबे में पीछे ही रहेंगे। समझ गए ना। तो ये आगे जाते हैं, अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाले लोग सोशल होते हैं, यानी इनका लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना फैंटास्टिक होते हैं, यानी कमाल के होते हैं। एक आदमी के साथ आप मिलते हैं और एक आदमी के साथ अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाला इंसान मिलता है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो। वो कहते हैं यार कितना इम्प्रेशन है इसका, यही चीज़ है। लोगों के साथ घुल मिलाना और इनके दरमियान रहना पसंद करता है। अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाला इंसान दोस्त बनाते हैं और निभाते भी है। अपने दोस्तों के साथ इंतहाई हद तक ईमानदार रहते हैं, इंतहाई हद तक ईमानदार रहते हैं।
तो बहरहाल अक्टूबर के महीने में पैदा होने वाला इंसान अच्छा इंसान होगा, अगर दोस्तों के साथ भी वफादारी है, लड़ाई झगड़े भी नहीं करता, सोशल भी है, लोगों के दरमियान रहना उठना बैठना भी पसंद करता है, तो इसको तो इंसान कहता है। इसलिए इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। सोशल एनिमल तो इसी इंसान को कहते हैं। अब नवंबर में पैदा होने वाले इंसान का क्या हाल होता है? बहुत ही ईमानदार और मुस्तकिल मिजाज इंसान होता है। अगर किसी काम को वो शुरू करे तो उस काम को उस वक्त तक वो करता रहता है जब तक उसको खत्म ना करे, और जब काम को खत्म करे तब इसको सुकून मिलता है। ये बहुत हसास होता है, छोटे छोटे छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हैं, ये बहादुरी से जिंदगी गुजारते हैं और नताइज से नहीं घबराते। नतीजा जो भी आए, ये कहता है कि जो भी आए आए, बेशक मुझे क्या है, मैंने तो अपने तरफ से काम किया है। ये भीड़ में यानी हुजूम में अलग पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है। बहुत सारे लोग हो, उनके दरमियान ये बेटा हो या खड़ा हो या बातें कर रहा हो, तो तमाम लोगों की नजर इस पर होता है, ऐसी शख्सियत का मालिक होता है। अपने अलग पहचान बनाते हैं, बनाने में कामयाब हो जाता है, और इन्हें अपने जिंदगी का मकसद गोल क्लियर नजर आता है, क्लियर होता है और उसको अचीव भी करता है। मतलब नवंबर में पैदा होने वाले इंसान की शख्सियत में काफी राज छुपे होते हैं। और लोगों के सामने अपने जज्बात और फीलिंग का इजहार नहीं करता। इसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ जाए उसको वो खत्म करते हैं, दूर करते हैं, और ये अपने तमाम बातें अपने तक महदूद रखते हैं, किसी के साथ अपनी जाती बातों को शेयर नहीं करते, हत्ता कि अपनी बीवी के साथ भी शेयर नहीं करते, अपने बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करते, दोस्तों के साथ तो छोड़ दो, अपनी बीवी और बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करते। यानी इस तरह का इंसान होता है। तो बहरहाल अब दिसंबर के महीने में जो लोग पैदा होते हैं वो खूबसूरत और शानदार शख्सियत के मालिक होते हैं। यानी उनकी खूबसूरती और शानदार शख्सियत उनकी खुशकिस्मती की अलामत होती है। ये लोग खुशकिस्मत होते हैं और अक्सर मामलात में अपने किस्मत पर भरोसा करते हैं। यार देखते हैं कि क्या होता है, फिर वो कामयाब हो जाता है। ये एडवेंचर को बहुत पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये नई नई चीजों को के बारे में जानना बहुत ही पसंद करते हैं, इनको शौक होती है। ये जिंदगी अपने मर्जी से गुजारते हैं, कोई इस पर हुक्म चलाए इन्हें ये पसंद नहीं होता। अपनी मर्जी के मालिक होने की वजह से ये लोग टीम वर्क नहीं कर पाते और किसी टीम का हिस्सा भी नहीं होते, लेकिन ये अकेले किसी टीम से कम नहीं होते। तो मैंने आपके सामने
दोस्तों, मैंने आपके सामने इस वीडियो में, इस लंबी वीडियो में आपके सामने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों के बारे में ये वीडियो बात कि जनवरी में पैदा होने वाले इंसान का क्या हाल होता है, फरवरी में पैदा होने वाले इंसान की खसूसियात क्या होते हैं, और इसी तरह मार्च और इसी तरह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें ताकि अच्छी बात आपके दोस्तों को पहुंच सके। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो जनाबे मन, ये वो चीजें थी जो मैंने महीनों के हवाले से कई दिनों से मेरे जहन में ये गर्दिश, जब मैंने ये मुताला कर लिया और फिर YouTube के अंदर भी जब मैं गया तो कई लोगों को देखा कि उन्होंने भी इस पर वीडियो बनाए हैं, तो फिर मुझे यकीन हो गया कि हाँ, ये टॉपिक तो वीडियो बनाने के काबिल है। जनाब मन, आपको मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये जरूरी नहीं है कि इस वीडियो में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो बातें मैंने लोगों की शख्सियत और महीनों में पैदा होने वाले लोगों के बारे में की हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उन लोगों में हो। बहरहाल, ये जदीद साइंस और कदीम जमाने से लोगों की एक नजरियात थे, उनके अपने सोच थे जो मैंने आपके सामने पेश किया। अक्सर व बेशतर में यही चीज है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप यकीन जाने कि मैं जब अपने इर्द गिर्द के लोगों पर, अपने इर्द गिर्द के शागिर्दों पर नजर डालता हूं और जब इन महीनों की, जब मैं उसकी तारीख पैदाइश को मालूम कर लेता हूं और फिर उस आदमी पर सोचता हूं, तो मुझे ये वीडियो बहुत कीमती और बहुत यूनिक लगती है। इसलिए आपको भी एक मैं टास्क दे रहा हूं कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपने वीडियो को गौर से देखा है, किसी पार्ट को स्किप नहीं किया है, तो यकीनन आपको बहुत सारा नॉलेज आपके पास जमा हुआ होगा। आप काइंडली किसी दोस्त की तारीख पैदाइश अभी कॉल पे या मैसेज पे उनको कहो कि यार अपना तारीख पैदाइश मुझे भेज दो, और फिर इस वीडियो में उस महीने की खसूसियात को जरा आप सुने, तो फिर आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आपका जवाब लाजमी तौर पर यही होगा कि सर, आपने तो बिल्कुल, आपने मेरे दोस्त को देखा है, मैं कई एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो जी, जब आप अपने दोस्त से, एक दोस्त से नहीं, कई दोस्तों को मैसेज करके उसकी तारीख पैदाइश उनसे मांग, उसमें मायना भी होगा। मिसाल के तौर पर 15/5/2001, 15/4/1982, इसी तरह उसका तारीख, तो अप्रैल की महीना उठाओ,
मई के महीने उठाओ, यहां पर वीडियो में आओ, मई के महीने शुरू से देखो, फिर सुनो और अपने दोस्त के बारे में सोचो। अगर आपको मोर देन 90% बातें मेरी ठीक नहीं लगी तो फिर आप मुझे कमेंट्स में जरा लाजमी तौर पर बात करें, ये हो ही नहीं सकता। ये वीडियो करने से पहले मैंने इस पर अपने जाती तजुर्बे से 40 दोस्तों को मैसेज किया, 40 दोस्तों में मुझे 30 दोस्तों का डेट ऑफ बर्थ उन्होंने सेंड किया। अगर कि वो कह रहे थे कि यार आप क्यों मांग रहे हो, मैंने कहा कि बस वैसे मांग रहा हूँ, आप भेज दिया, भेजना है या नहीं, तो वो कह रहे कि चलो भेज देता हूँ। तो फिर मैं उसके महीने को देखकर सोचता था। जब मैंने वीडियो शूट कर दी तो फिर तो मैं अपने वीडियो को अपने सामने लगा, अभी तक अपलोड नहीं किया था, मैं वैसे ऑब्जर्वेशन कर रहा था। ये हिस्सा वीडियो का आखिर में मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन के बाद का हिस्सा है, ये 4-5 मिनट तकरीबन होगी, 1 घंटा फिर मुकम्मल हो जाएगा। तो जी, तो 30 लोगों में से मैंने 20 के खुद देख लिए, आप यकीन जानो मोर देन 90% यही सिफात उन लोगों में थे। हैरान हो गया कि यार ये क्या है यार, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, ये क्या है, अनबिलीवेबल बात है। हैरान होके मैं कह रहा हूं, तो आपको भी मैं एक टास्क दे रहा हूं, आप भी इसी तरह करें कि अपनी 30 और 40 या आपके 15-20 दोस्त, खुसूसी तौर पर मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट को, वो तो वैसे भी रिसर्च माइंड होते हैं ना, अपने फॉलोअर को एक टास्क दे रहा हो कि आप जाओ अपने फ्रेंड लिस्ट को उठाओ, अपने दोस्तों को मैसेज करो, फिर मेरे वीडियो की उस हिस्से को देखो। मैं चैलेंज देकर कहता हूं कि आप वही सिफात पाएंगे जो आपको मैंने बताया, मोर देन 90% रेयर केसेस इससे मुस्तस्ना है। अपनी 20 बंदों को मुशाहिदा किया, तारीख पैदाइश को, महीना मालूम किया और यहाँ वीडियो देखी, लेकिन विथ प्रूफ 20 बंदों में 19 या 20 के 20 बंदे 90% से ऊपर यही सिफात होंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई बात इस वीडियो में दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर दोस्तों के साथ और शेयर भी करो ताकि अच्छी बात आपके दोस्तों को पहुंच सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर बनो, इसी तरह मैं आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियो आपको पहुंचाऊंगा। सबसे पहले आपका टीचर, आपका यूट्यूबर, आपका दोस्त कासिम हटक आपको ऐसी वीडियो पहुंचाएंगे। तो मेरे वीडियो का टाइम भी पूरा होने वाला है क्योंकि मुझे 1 घंटे का लिमिट दिया गया है कि आप अपने एक घंटे। तो बहरहाल आखिर में मैं उस शख्स की शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हूं जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी, मैं उसको सलाम पेश करता हूं कि वो मेरा एक्चुअल फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, आखिरी हिस्से को देखने वाले नहीं, सिर्फ पूरी वीडियो को, 1 घंटे की वीडियो को देखने वाले शख्स को। ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपलोड किया है, यकीन जानो लंबी वीडियो को अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए अपलोड किया है। इसमें एडिटिंग करना यकीन जानो इतना मुश्किल है कि आप हैरान रह सको। तो बहरहाल तो मैं उसको सलाम जरूर पेश करूंगा और उसको यही कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को शेयर करो क्योंकि अच्छी बात आपके दोस्तों को पहुंच सके। इस वजह से बहरहाल मैं आपसे जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब हो।
इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।